चलो 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 आ जा दो डैडी को काहे ले हो तो पकड़ ले चलो फोड़ चलो जूता नहीं है डैडी का पकड़ो एक तरफ आ एक तरफ वो पकड़ो एक तरफ वो बैठेंगी जाइए देवी को चलिए बहुत लंबा है सब करिए सब घुमाते हो चलिए घुमाइए ये सब लिखा है क्या ये साइड लिखा है इसमें Thank you.
से भी घूमिए तो भैया चलिए आगे हो गया। का देख रहे हैं आप लोग, पेड़ है और इसी बोध ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध जी बैठ के अपने पांच भिक्षुओं को उपदेश दिए थे, जैसा कि किताबों में लिखा गया है कि वो सब ब्राह्मण थे। और
जब उनको अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद यहीं सबसे पहले आए थे, दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कहीं वो बैठ के ज्ञान प्राप्ति लिए थे, घूमते टहलते उन्होंने जाना जब जीवन के बारे में क्या होता है सब, उसी को बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये देखिए उसी समय का पेड़ है, जब कहो लेकिन यही चीज़ है, क्योंकि पुराना पेड़ सब रहता है बरगद का पीपल, हालांकि वही पेड़ हो यहाँ पर। यहाँ पे जुड़ाई हो रही है, जो मूर्तियाँ बनाई जा रही है उनकी। गरम पानी है उसमें। क्या हुआ? अरे ये दो ही बनवाए हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा सब ले लिया होता है। ले ले तू। और कोई पिएगा है क्यों? हाँ चलो ए लड़की We'll be right back.
बिरला भाई आके हमें नीचे उतार दीजिए तो ओजस्वी यहाँ आओ मेरे पास, भाग रहा है। आओ चलो आ जाओ, आओ आ जाओ, आ मेरे पास चलो। बाबू।
तो दी है चल कुछ नहीं बेटा जिराफ 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 आया जिराफ आया। चलो स्तूप देखने भाई स्तूप देखने। मिट्टू स्तूप देखेगा? सुनुआ स्तूप देखता है? बनारस में
छोड़ दीजिए जीजा जी, उसको नीचे छोड़ दीजिए। अरे नौ चल, जूता भी नहीं पहन, देखिए गड़ नहीं रहा है। एक मिनट रुकी रहूं, हम उसका बना रहे ना, देख रहे हैं। चलो 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 चले चलो, वो गए, वो डैडी गए आगे। चलो भी खेलेंगे, चलो चलो, गए गए सब, चलो मेरे लिए। चलो चलो, 3 किलोमीटर हो गया।
सारनाथ घूम के वापसी।